नाज़रीन अच्छी तरह आप नतीजे तक पहुंच गए होंगे कि आपको करना क्या है। आशूरे के दिन आपको मसनूई करबला जाना, आपको ताज़िया कांधों पे लेकर के जाना, आपको ताशा बजाना है, आपको लोगों की फसलों को बर्बाद करना है, वीरान करना है, आपको हस्से हस्से करना है। हुसैन का ना आप कर क्या रहे हैं, आप किस रास्ते पे जा रहे हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आप हंसे हंसे कर रहे हैं, अजीब हाल है आपका। मेरा हुसैन वो है, ये जन्नती नाम है, हुसैन जन्नती नाम है। हुसैन असल में क्या था, हुसैन और हसन का नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पे, शब्बर और शब्बीर के नाम पे रखा गया, यानी इबरानी जबान में शब्बर शब्बीर, और इसको जब मुंतकिल किया गया अरबी जबान में ये बना हसन हुसैन। अल्लाहु अकबर। तो देखें शब्बर और शब्बीर ये जन्नती नाम है, और ये अल्लाह ताला ने अपने महबूब को जिब्रील के ज़रिए भेजे कि जिब्रील महबूब से कहो कि अपने नवासों के नाम ये रखें, बड़े का हसन यानी शब्बर और छोटे शहजादे हुसैन का नाम यानी शब्बीर यानी हुसैन रखें, जन्नती नाम है। अल्लाहु अकबर। और आप कहते हैं हस्से हस्से, और फिर भी आपका दावा ये है कि इमाम साहब से बड़ा हुसैनी में, मुफ्ती साहब से बड़ा हुसैनी में, मुझसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं। साहब याद रखो, ये हुसैनियत नहीं है, ये आपकी गुंडागर्दी है, ये आपकी हट धर्मी है। आप हट धर्मी से पेश आ रहे हैं, आप तबीयत वाले शरीयत वाले नहीं। शरीयत वाले होते तो आप रोज़े से होते, शरीयत वाले होते तो इस दिन भी आपकी नमाज ना छूटती बल्कि आप नमाज अदा करते। शरीयत वाले आप, शरीयत पे आप अगर आप अमल करते तो आप हंसे हंसे ना करते, आप मोहब्बत से हुसैन का नाम लेते। शरीयत वाले शरीयत पे शरीयत की बात अगर आप मानते तो आप दूसरों की फसलें वीरान करने से बचते। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हुसैनियत को पहचानिए। हुसैनियत किसी को तकलीफ़ देने का नाम नहीं है, हुसैनियत जो है ना वो मोहब्बत का नाम है, प्यार का नाम है। सिख धर्म के एक बहुत बड़े गुरु हैं जिनका नाम ही गुरु है, गुरु नानक। तो उन्होंने अपने चेले से कहा, 10 तारीख को आशूरे के दिन अपने चेले से उन्होंने कहा गुरु नानक ने कि भाई शरबत बनाओ, मीठा पानी करो और उसको जो है पिलाओ लोगों को। अल्लाह पर। तो गुरु नानक से उनके खादिम ने एतराज़ किया, और एतराज़ बनता भी था। उसने कहा कि एक एतराज़ करूं अगर इजाज़त हो तो एक सवाल करूं। कहा इजाज़त है, कीजिए, आपका क्या सवाल है। तो गुरु नानक के खादिम ने कहा था गुरु नानक से कि मेरा एतराज़ ये है कि हुसैन हमारे हैं या मुसलमानों के, ताल्लुक़ उनका कौन से धर्म से है, कौन से मज़हब से है। अल्लाहु अकबर। गुरु नानक ने कहा था इस्लाम उनका मज़हब है, नवासा रसूल है। तो कहा एक बात समझ में नहीं आती, इस्लाम उनका मज़हब है, नवासा रसूल हैं, फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, शेर खुदा के शेर नर हैं। अब ये तो आप मुझे बताएं कि जब हमारे मज़हब के नहीं और वो हम उनके मज़हब के नहीं, तो हम उनके नाम पे ये शरबत क्यों बांटें, हम उनके नाम पे प्यासों को पानी क्यों पिलाएं। एतराज़ बनता था, सवाल बनता था, सवाल जायज़ था। उसने किया गुरु नानक से, किया अपने उसने आका से किया। तो गुरु नानक ने कहा था अब मैं तेरे एतराज़ का जवाब, तेरे सवाल का जवाब तुझसे सवाल करके उसी सवाल में तेरे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। तूने मुझसे सवाल किया, अब मैं तुझसे सवाल कायम करूँगा, उसी सवाल में तेरे सवाल का जवाब हो जाएगा। कहा कीजिए। गुरु नानक ने कहा था एक काम कर लो, आप अपनी सगी फूफी से शादी कर लो, आप अपनी हकीकी खाला से शादी कर लो, और आगे दो कदम बढ़ के कहा क्या जिस माँ ने आपको जना आप अपनी माँ से शादी कर लें, क्या जायज़ है ये। तो गुरु नानक से उनके चेले ने कहा था ये नहीं है, मेरे मज़हब में इजाज़त नहीं है, मैं अपनी माँ से भी शादी नहीं कर सकता, फूफी सगी से शादी नहीं कर सकता, हकीकी खाला से भी शादी नहीं कर सकता। तो गुरु नानक ने कहा था ये तुझे बताया किसने, ये गैरत तेरे दिल में आई कहाँ से कि तू माँ से शादी करने के लिए तैयार नहीं, तू अपनी खाला से शादी करने के लिए एग्री नहीं, तू अपनी फूफी से शादी करने के लिए आमादा और कोशन नहीं, बता तो सही रुकता क्यों है, मना किसने किया।
लाजवाब था। कहा ये मेरा सवाल है और तेरे कायम करदा सवाल का जवाब भी है। सुन ले, हुसैन ने उस वक्त करबला में गर्दन कटाई जिस वक्त यजीद बेलगाम हो चुका था, शरीयत की लिजाम वो अपने ज़बान से निकाल चुका था। बेलगाम हो करके वो ये चाहता था नए कानून कायम किए जाएं, शरीयत की धज्जियाँ बिखेरी जाएं, शरीयत के सामने वो हट धर्मी कायम करना चाहता था। वो कहता था सगी माँ से निकाह करना जायज़ है, वो कहता था सगी फूफी से निकाह करना जायज़ है, वो कहता था उसका मौकफ था कि सगी खाला से शादी करना जायज है। यानी मुहर्रमाते आबादिया जिनसे इस्लाम ने मना किया, कुरान ने मना किया, वो उन सब से मतलब क्या है, अब कुरान के नजरिए से अलग नजरिया देना चाहता था। उस वक्त हुसैन ने गर्दन कटाई। हुसैन का एहसान अब सिर्फ एक कम्युनिटी पे नहीं, एक मुस्लिम समाज पे नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस गैरतमंद पे हुसैन का अल्लाह अकबर एहसान है जो आज अपनी माँ से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, माँ का एहतराम करता है, खाला से शादी करने तैयार नहीं होता, खाला का एहतराम करता है, फूफी से शादी करने तैयार नहीं होता, फूफी का एहतराम करता है। हर वो बंदा जो इस चीज़ पर कायम है उस पे हुसैन का एहसान है, लिहाजा तू भी इस चीज़ को मानता, तुझ पे हुसैन का एहसान हुआ। बाट शरबत लगा सवील, ये गुरु नानक थे साहब के हुसैन हैं जिनकी मोहब्बत हर मज़हब के अहले दुनिया के जितने मज़हब हैं वो सब हुसैन को पहचानते हैं। एक अमेरिका में सेमिनार हुआ, उसमें एक सवाल हुआ था कि 1400 साल हो गए दूसरा हुसैन पैदा ना हुआ। एक बुज़ुर्ग ने जवाब दिया था, हुसैन को पैदा करने के लिए साहब फातिमा जैसी माँ की ज़रूरत पड़ती है, जब से ज़मीन से फातिमा जैसी माँ उठ गई हुसैन जैसे बेटे जन्ने बंद हो गए। माँ फातिमा की कनीस पैदा हो जाए तो बेटा भी हुसैन का सच्चा ग़ुलाम पैदा हो सकता है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।